आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है डेड, जिसका डिस्प्ले नहीं आ रहा और वो चल नहीं रहा, जिसको आप अगर किसी एक्सपर्ट के पास, मैकेनिक के पास लेकर जाएं तो वो आपको कहेगा जी इसकी जो बायोस है वो खराब हो गई है या उड़ गई है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हेन योर कंप्यूटर्स मदरबोर्ड मेन बोर्ड स्टॉप फंक्शनिंग एंड यू टेक दैट मदरबोर्ड टू अ मैकेनिक और स्पेशल पर्सन फॉर रिपेयरिंग इट, ही विल टेल यू दैट इट्स बायोस इज करप्टेड एंड आई हैव टू कॉपी और रिप्लेस इट, एंड ही विल चार्ज यू क्वाइट लॉट ऑफ मनी और आपसे काफ़ी पैसे मांगेगा। मेरा कोई 12-15 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, मदरबोर्ड में, और 12-15 साल मैंने इसका काम किया है, और मेरे एक्सपीरियंस में बहुत कम 100 में से 1 या 2 जो बायोस हैं वो करप्ट होती हैं। आई हैव अबाउट 12 to 15 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग मदरबोर्ड्स, एंड माई एक्सपीरियंस देर इज ओनली 4 to 5% चांसेस व्हेन योर कंप्यूटर मदरबोर्ड इज करप्टेड और योर बायोस इज करप्टेड, एंड व्हेन यू टेक इट टू सम स्पेशलिस्ट ही विल से दैट आई हैव टू कॉपी इट एंड ही विल चार्ज यू लॉट ऑफ मनी। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड को खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और हजारों मदरबोर्ड में ठीक कर सकूं और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर को खोलना है, खोल के उसके जैक वगैरह उतारने हैं, उसके रैम उतारनी है, प्रोसेसर ना छेड़ें लगा रहने दें, और उसके तमाम कार्ड्स एक्सेसरीज उतार के आपने उसको अलहदा कर देना। ये एक मदरबोर्ड है AMD ड्यूरॉन, इसका आप देख रहे हैं इसमें से रैम भी उतारी हुई है, इसमें कोई कार्ड नहीं लगा हुआ, प्रोसेसर इसका AMD एथलॉन का मौजूद है, और मैं इसका फोकस क्लियर करूँ, 1 मिनट जरा। आपने ये एनवीडिया इसका जो डिस्प्ले है बिल्टिन, इसका VGA बिल्टिन है, ये इसके साउंड USB डिस्प्ले कार्ड बिल्टिन है। अच्छा, इन शॉर्ट रैम मैंने उतारी है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये इसकी जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर ना इसके ऊपर लिखी होती है मदरबोर्ड के ऊपर, इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर इज रिटन ऑन दिस बोर्ड, मोस्ट ऑफ बोर्ड देर इज इंस्ट्रक्शन ऑन इट, देर आर स्मॉल जम्पर्स, देर इट इज, ये इसका है सीमोस क्लियर, इसमें लिखा हुआ है JP1। तकरीबन हर मदरबोर्ड पे जो JP1 है वो सीमोस का ही होता है, ठीक है। इस JP1 को, इस जम्पर को 1-2 पे लगा होगा तो ये नॉर्मल है, इसको आपने उतार के 2-3 पे करना है तो इसका सीमोस क्लियर हो जाएगा, या कह लें इसकी बायोस जो है रिफ्रेश हो जाएगी। ये इसकी बायोस है, ये इसकी बैटरी है, और बायोस के और बैटरी के बिल्कुल करीब ही हमेशा जो है वो जम्पर होता है, ये इसका JP1 इसका जम्पर है, ठीक है। दिस इज इस बैटरी, दिस इज बायोस सीमोस, एंड ऑलवेज और यू कैन से मोस्ट ऑफन दिस बैटरी क्लियरेंस जम्पर इज वेरी नियर टू इट। ये इसका बजर है, स्पीकर है, ये जो जम्पर छोटा लगा हुआ, ये जो काले रंग का ये पिने जो लगी हुई है, ये इसके पॉइंट्स हैं, ये इसका जम्पर है। इस जम्पर को हम उतार के जब अगले 2 पे लगा देंगे, ठीक है, हमने इसको इस तरफ से उतार के इन 2 पे लगा दिया। इस वक्त इसकी जो जो बायोस है ये रीसेट हो चुकी है, इसकी बैटरी भी रीसेट हो गई है, ये इसने इसको रीसेट कर दिया, या कह लें कि जो मैकेनिक है वो कहेगा जी मैंने बायोस कॉपी की है, लेकिन वो सिर्फ इस जम्पर को साइड पे करेगा, इससे बायोस आपके जो सेटअप होता है कंप्यूटर का उसमें पासवर्ड, उसमें सेटिंग्स जो होंगी वो रीसेट होके डिफॉल्ट सेटिंग या स्टैंडर्ड सेटिंग में आ जाएंगी। होता कुछ ऐसे है कि बायोस सेटिंग के अंदर जब करप्ट हो जाती है उसकी बायोस, तो वो आपका डिस्प्ले बंद कर देती है, डिस्प्ले नहीं आएगा, आपका लॉक लग जाएगा, आपका
और आपको कुछ भी कह सकते हैं कि इसका ये जल गया, ये खराब हो गया। इसको सिंपल आपने एक दफा 1-2 से 2-3 पे लगाना है और इसको इसको वापस 1-2 पे कर देना, आपकी बायोस रिफ्रेश हो गई है। सेकंड, आपने इसको एक दफा नजर मारनी है, उस पर ध्यान से देखना है कि कोई कंपोनेंट जला तो नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज जो कि इसमें आपको कोई कट लगा हो किसी चीज का। ये मैंने बोर्ड देखा है, ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, इसकी सिर्फ बायोस जो है वो करप्ट हुई है। बायोस करप्ट होने की मेन वजह होती है ये आपका जो सेल है, ये जो सेल आपका है ये खत्म हो जाता है, इसकी लिमिट तकरीबन 1 साल तक की होती है। द मेन रीजन फॉर दिस मदरबोर्ड और एनी मदरबोर्ड इज फॉर करप्टिंग दिस बायोस इज दिस बैटरी, दिस लिटिल सेल इनसाइड, दिस इज द सेल, इट हैज लो लाइफ और इट्स लाइफ इज फिनिश आफ्टर 1 ईयर, मोस्टली इन विंटर सीजन, ज्यादातर सर्दियों में इट गेट कोल्ड एंड इट स्टॉप फंक्शनिंग, जिसकी वजह से इसकी जो बायोस है वो करप्ट नहीं होती लेकिन जाम कह लें हो जाती है। आपने जब जंपर चेंज किया है तो मस्ट है कि आप इसकी बैटरी भी इसकी आप चेंज कर दें। बैटरी जब चेंज करेंगे जंपर के बाद तो आप देखेंगे कि आपका बोर्ड ठीक हो गया। एक और शॉर्ट तरीका, हम नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पे हम क्या करते हैं, 90% हम जंपर को नहीं कुछ करते, हम इसकी बैटरी निकालते हैं, बैटरी को निकाल के हम साइड पे कर देते हैं और इस मदरबोर्ड को, तमाम मदरबोर्ड को हम पेट्रोल के साथ स्प्रे करके इसको साफ करके धो देते हैं। इन माय एक्सपीरियंस व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी जस्ट रिमूव इट्स बैटरी फ्रॉम इट एंड वी जस्ट क्लीन दिस होल मदरबोर्ड विद पेट्रोल और स्पिरिट और सम अदर केमिकल, जिसकी वजह से इसके जो कैपेसिटर्स हैं ये भी जो लगे हुए हैं ये भी सेल का काम करते हैं। कि अक्सर आप जब इसको बैटरी को शॉर्ट करते हैं, इसमें ये थोड़े बड़े साइज के कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसमें जो स्टोरेज इसकी होती है वो ज़्यादा होती है और ये जंपर शॉर्ट करने से भी अक्सर नहीं जाते। आप बैटरी निकालेंगे, जंपर शॉर्ट करेंगे लेकिन ये कैपेसिटर हैं चार्ज रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो बायोस है रीसेट नहीं होगी। व्हेन यू रिमूव इट्स बैटरी टू यू आल्सो रीसेट इट्स जंपर, दिस कैपेसिटर्स आर स्टिल चार्ज एंड दे डोंट अलाउ योर मदरबोर्ड टू रीसेट। साथ इसमें डस्ट पड़ी होती है, इसमें छोटी छोटी वायर्स या कोई भी चीज़ जो शॉर्ट कर रही होती हैं वो इसको धोने से पेट्रोल के साथ ये सब साफ हो जाती हैं। एक दफ़ा जब इसको धोएंगे ये तमाम के तमाम जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे। और मजीद इसमें आप मजीद ऐसा कर सकते हैं कि कोई शार्प चीज लेके, जैसे मेरे पास ये छुरी है, इसको आप इसकी स्लॉटों के अंदर घुसाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक लेके स्लॉट को इसके नाइफ को, छुरी को इसके अंदर लगा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। इससे ये होता है कि ये आपस में जो है शॉर्ट हो जाती हैं और कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज इसके हो जाते हैं। इसके बाद आपने इसको साफ करना है और इसको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा अच्छी तरह सूखने देना है, और आफ्टर क्लीनिंग दिस मदरबोर्ड विद पेट्रोल और स्पिरिट यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 hours फॉर टू ड्राई अप, बी श्योर दैट इट इज कम्प्लीटली ड्राई, यकीन करना है कि अच्छी तरह ये सूख चुका है, ठीक है। उसके बाद बेहतर अगर आप इसको अगर थोड़ी देर धूप में रख के सुखा लें, इट्स बेटर इफ यू पुट दिस बोर्ड टू सनलाइट टू शो दैट इट्स ड्राई। उसके बाद आपने ये बैटरी, नई बैटरी लगानी है, बैटरी इसके अंदर लगाएं, बैटरी लगा के इसको जब वापस अपनी जगह पे लगाएंगे, सिर्फ आपने इसका जो पावर कनेक्टर है पावर कनेक्टर लगाना है, ठीक है। पावर कनेक्टर के बाद इसका स्विच जो होता है वो इस जगह पे, इसकी स्विचिंग वायर होती है, स्विचिंग वायर सिर्फ लगानी है, रीसेट की वायर नहीं लगानी, याद रखें रीसेट सिर्फ स्विच की वायर लगा के आप इसको ऑन करें, इसके बजर में से बीप आएगी। जब इसकी बीप आ जाएगी एक दफा, इसका मतलब है कि ये रेडी है, मदरबोर्ड तैयार है। जब बीप मांगेगा इसका मतलब ये ठीक है। सेकेंड, आप इसमें रैम लगाएंगे, रैम लगाने के बाद आपकी जो बीप है वो रैम लगाने से पहले बीप करेगी आपकी 3 दफा, पीप पीप पीप, इसका मतलब है कि आपका जो मदरबोर्ड है रेडी है और वो रैम डिमांड कर रहा है, रैम मांग रहा है। रैम आपने इसके 1 नंबर बैंक या जहाँ से निकाली है उसी तरह बड़े एहतियात से, उल्टी नहीं लगानी, DDR रैम में अगर थोड़ा जरा जोर से लगाएं तो उल्टी लग सकती है। बी वेरी केयरफुल नॉट टू
insert the modules, RAM modules the wrong way. If you force to or you push this RAM to opposite side, they will insert and do damage. RAM लगाने के बाद आपकी जो built in motherboard होगा उसकी एक beep आएगी, जिसका मतलब on हो गया है. आपने first ये करना है, इसको पीछे VGA cable लगानी है और इसको on करना है. और इसमें ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो motherboard है वो 99% आपका जो है display आ जाएगा और on हो जाएगा. Second, अगर आपका window hang कर रही है, आप window install करते हैं तो stuck कर रही है, hang कर रही है, इसका फैन वेरीफाई करें. फैन तो नहीं बंद, फैन चलना चाहिए वरना आपका प्रोसेसर गर्म हो जाएगा. सेकंड, आपने इसका जो लेवल है प्रोसेसर का, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसके लेवल के साथ प्रोसेसर के ऊपर बिल्कुल बैठा हुआ है. अगर थोड़ा सा एक साइड से ये ऊपर होगा, एक साइड से टेढ़ा होगा, तो तब भी होता है कि आप कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल करते हैं या विंडो स्टार्ट होते सार ये जो है आपका स्टक कर जाएगा. इसको ये हीट सिंक है, हीट सिंक के ऊपर फैन लगा हुआ है. हीट सिंक को हाथ लगा के देखें, ये इसे गर्म होना चाहिए. ठीक है, आपको महसूस होगा कि ये गर्म हो रहा है. फैन इसको ठंडा करेगा, चलता चलेगा इसको. और वीजी इसका इंस्टॉल है. फर्स्ट आप इसमें अपने कीबोर्ड की वायर लगाएं, इसको ऑन करें. कीबोर्ड की जो लाइट है एक दफ़ा ऑन होके ऑफ होगी, दिस मीन्स के आपका जो मदरबोर्ड है वर्किंग कंडीशन में आ चुका है.